अगर आप क्लास हिंदी 11th के स्टूडेंट हो, अभी 11th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का न्यू बैच चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके क्लास 12th का न्यू बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, आपको जो है क्लास 12th मैथ की संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। हम दो सेट लेते हैं और दो ए, देखो दो सेट हम ले लिए, ए और बी, ए और बी, इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है, इसमें क्या है ए बी सी एलिमेंट है। देखो यहाँ पर एफ लेते हैं ना, इसका अर्थ हो गया कि एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन है। एफ ए से बी में फलन है, समझ गया ना। फलन किसे कहते हैं, फलन से प्रतिबिंब हो, समझ गया ना। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में उनका प्रतिबिंब होती है, अद्वितीय फलन होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब। अब देखिए ये आपका क्या हो जाता है, डोमेन, डोमेन, आपका क्या हो जाता है, डोमेन, डोमेन ई हो जाता है, डोमेन। इनका हिंदी क्या होता है, प्रांत, प्रांत। इनका लिखो तो डेफिनेशन, फिगर बनाएंगे ना सर, एलिमेंट प्रांत। आप देखो हम लिख देते हैं, आप लोग समझ लो, उसके बाद छाप लेना। जी सर जी, हिंदी में सर जी लिखा दीजिए। देखो डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन का हिंदी क्या होता है, प्रांत। डोमेन मतलब क्या हो गया, प्रांत। तो देख रहे हैं ना, डोमेन ये क्या है, सेट ये ना है जी, यस सेट ये कौन क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। देखो ये क्या हो गया कि यदि एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो, यदि एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो, तो सेट ऑफ फॉर्म क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो सेट ऑफ फॉर्म क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, कहते हैं ना, प्रांत कहते हैं। देखो को डोमेन हम लिख देते हैं, को डोमेन, को डोमेन, इनका हिंदी क्या होता है, सप्रांत, सप्रांत, सप्रांत। यदि एस देखो को डोमेन, जी सर बोलिए तो, हिंदी इसका होता है सप्रांत, हिंदी इसका क्या होता है, सप्रांत। जिनको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सप्रांत का इंग्लिश क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन का हिंदी क्या होता है, सप्रांत। देखो ए को अगर हम प्रांत कहते हैं तो बी को हम क्या कहते हैं, सप्रांत, समझ गया ना। यदि ए को हम कोमेन डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं, तो बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। इस फिगर देखो, इस फिगर को याद रखो, सब चीज तुमको ध्यान में रहेगा जी सर। ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन, डोमेन, बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो इनका डेफिनेशन लिखो, यही सेम ही रहेगा, लेकिन हम क्या कर देंगे, जी कर देंगे, यस सर। यहाँ पर डोमेन लिखे हैं तो क्या कर देंगे, डोमेन कर देंगे। आप देखो इसको हम सूचित कैसे करेंगे, को डोमेन अति को डोम से, को डोम ऐप, को डोम, को डोम ऐप से सूचित करेंगे, समझ गया ना। इसे हम सूचित कैसे करेंगे, को डोम ऐप से, को डोम ऐप, जी सर। इनको उतारिए और इसका हम हिंदी लिखाते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, सेट बी को सप्रांत कहते हैं। आप बोलो, यदि एफ ए से बी में फलन हो तो सेट बी को सप्रांत कहते हैं। आप बोलो, हम सर, यदि एफ ए, यदि एफ ए ए से बी में एक फलन हो तो सेट बी को हम सप्रांत कहते हैं। आप बोलो, एफ ए से बी में फलन हो तो सेट बी को फलन कर सप्रांत, फलन हो गया ना, को डोमेन कहते हैं। आप देखिए ये तो आपको हो गया डोमेन को डोमेन, अब इसमें क्या होगा, रेंज, रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, परिसर,
पहुंचने होता है जी, प्रतिबिंब बोलता है ना इमेज तुम्हारा रेंज कहाँ तक है जी सर। देखो तो एक्स का जो है पहुंच कहाँ तक है ए तक, यानी एक्स का पहुंच कहाँ तक है ए तक। देखो इसलिए एक्स का जो है परिसर क्या होगा ए, एक्स का परिसर क्या होगा ए होगा। आ देखो एक्स का ये जो है इमेज भी कहलाता है, एक्स का ये क्या कहलाता है यानी रेंज और इमेज एक ही चीज होता है, रेंज और इमेज एक ही चीज होता है। देखो ये ऐसे हो गया ना, इनको हम क्या बोलते हैं रेंज, हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज के लिए सेट लिखेगा तो उसमें क्या सब एलिमेंट आएगा ए बी सी। हम कहेंगे x का रेंज क्या है ए, एक्स वाई, y का रेंज क्या है बी, z का रेंज क्या है सी, समझ गया ना। तो लिखो रेंज का डेफिनेशन, तीसरा न होगा यस सर। रेंज हिंदी होता है इनका परिसर, परिसर इस एलिमेंट ये एबीसी ही क्या है रेंज है, एबीसी को हम क्या कहते हैं रेंज। लिखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव, वे सभी अवयव सेट बी, सेट बी के वे सभी अवयव जो इमेज जो प्रतिबिंब हो, हिंदी में लिखो जो प्रतिबिंब हो उसे परिसर कहते हैं, उसे परिसर कहते हैं। समझ गया ना, मतलब सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो क्या हो प्रतिबिंब हो, जो क्या हो प्रतिबिंब हो, तो किसका प्रतिबिंब होगा परिसर का, समझ जाना। सेट ए का परिसर किसका होगा, प्रतिबिंब किसका होगा ए का, ए का प्रतिबिंब किसके होगा ए का ना। देखो सेट ए है ना जी, इसका प्रतिबिंब ए है, जो सेट ए का प्रतिबिंब हो। आप देखिए इनको जब परिभाषा के रूप में लिखना चाहे आप विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं, इसको जो है विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं। देखो सिंपल अर्थ में समझो, देखो ये सेट ए है, ये क्या है सेट ए है, और ये क्या है सेट बी है ना। तो देखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो प्रतिबिंब हो, जो प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं रेंज, रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं, समझ गया ना। रेंज जिसका हिंदी क्या होता है परिसर। और देखो इस प्रकार से भी तो परिभाषा इसका लिख सकता है कि सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, प्रतिबिंब हो, जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। देखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो, इमेजेज क्योंकि एक से अधिक न है तो इमेजेज, इमेजेज हो उसे हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, समझ गया ना। इनको भूलेगा भी मतलब रेंज क्या कहलाएगा, सेट बी के वे सभी अवयव जो इमेज जो इमेजेज हो। मान चलो इसमें हम डी ले लेते हैं, इसमें हम क्या ले लेते हैं डी, क्या डी जो है आपको रेंज होगा नहीं होगा, डी रेंज होगा या इमेज होगा नहीं होगा, समझ गया ना। तो सेट जो है बी के वे सभी ही अवयव होते हैं जो इमेज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं।